नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना पांडे और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पुण्यदायी तिथि होती है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत, पूजा पाठ इत्यादि करने से मनुष्य का जन्म किसी बुरी योनि में, जैसे कि भूत, पिशाच इत्यादि, इन सब योनियों में नहीं होता है। हमारे घर की दुख, दरिद्रता, ये सब कुछ दूर हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जया एकादशी व्रत की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ ये विधि आपको आसान लगे, सरल लगे और आप सब इस दिन व्रत करें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा इस दिन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद इस दिन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं भगवान विष्णु की जया एकादशी की पूजा की विधि। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस स्थान पर आप अपनी पूजा करने जा रहे हैं उस स्थान की आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। मैं यहाँ पर आपको नीचे चौकी लगाकर पूजा करने की विधि बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको हल्दी की मदद से उस जगह पर, या तो अगर आप सुंदर सी एक छोटी सी रंगोली बना सकते हैं तो आप रंगोली बना लें, नहीं तो हल्दी की मदद से आप एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने पूजा की चौकी रख सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पूजा की अलग चौकी लगाई है। चौकी पर आपको पीला कपड़ा बिछाना है। दोस्तों, माघ मास की जो एकादशी होती है उसमें तिल का बहुत महत्व होता है। वैसे भी हम एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं करते हैं। हम थोड़े से तिल रखकर भगवान विष्णु की कोई फोटो या मूर्ति विराजित कर देंगे। थोड़ा तिल का आसन बनाकर गणेश भगवान को भी विराजित करेंगे। तिल का ही आसन बनाकर हम कलश की स्थापना भी करेंगे। कलश में पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल और उसके बाद फिर शुद्ध जल डालना है। कलश में आपको 5 चीज़ें डालनी हैं, जिसमें कि लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप जो हम घर में हल्दी यूज़ करते हैं उसको भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश की स्थापना कर देनी है। कलश के ऊपर एक प्लेट में आपको थोड़ा सा तिल रखकर और उसके ऊपर आपको अपना कलश का नारियल रखना है। फिर पंचामृत से गणेश भगवान की मूर्ति को स्नान करा देंगे। दोस्तों, ये प्रतीकात्मक स्नान होता है। आपको पंचामृत आप पुष्प से भी करा सकते हैं। पुष्प से पंचामृत को छूकर और उससे गणेश भगवान को 3 बार छू देंगे। इस तरह से हम गणेश भगवान की मूर्ति को प्रतीकात्मक स्नान करा देते हैं। तो देखिए, यहाँ इस तरह से आप गणेश भगवान को स्नान करा सकते हैं। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर पीले वस्त्र पहने। दोस्तों, विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है और उनकी पूजा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। सो देखिए, इस तरह से स्नान कराने के बाद हम सभी देवताओं को रोली चंदन से तिलक करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी सब पे अर्पित करेंगे। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी की पूजा को करने से मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। बुरी योनियों में उसका जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति सुख संपत्ति की प्राप्ति करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर करने के लिए जया एकादशी का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वो हज़ारों वर्षों तक स्वर्ग में राज करता है। अब हम यहाँ सभी देवी देवताओं को सफ़ेद तिल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप काले तिल भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हम इत्र अर्पित कर देंगे। तो जया एकादशी करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य एकादशी का व्रत करे तो यज्ञ, तप, जप, दान सभी का फल प्राप्त करता है। अब हम पुष्प अर्पित कर देंगे। पीले फूल आप विष्णु भगवान को अर्पित करें। गणेश जी को हम लाल फूल चढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें लाल फूल ज़्यादा पसंद होते हैं और विष्णु भगवान को हम सभी पीले फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम जल का भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, ये एक फलाहारी व्रत होता है तो इसमें आप किसी अन्न का भोग ना लगाएं। भगवान विष्णु को आप जो भी अर्पित करें उसमें आप तुलसी दल ज़रूर डालें। तुलसी दल के बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। गणेश जी को हम अलग से भोग लगा देते हैं क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। वो वही भोग स्वीकार करते हैं जिसमें तुलसी दल नहीं डाला गया हो। तो दोस्तों, माघ का महीना है तो आप भगवान को गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं और तिल का इस दिन आप दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें अपनी पूजा में और विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ करें।
दक्षिणा की भी कुछ राशि आपको इस पूजा में ज़रूर निकालनी चाहिए। और इसके बाद एकादशी महात्मा की जो पुस्तक है उसमें भी तिलक लगाकर हम उसका भी पूजन कर लेंगे, और फिर उसमें आपको जया एकादशी की व्रत कथा जो है उसका वाचन करना है। हाथ में आपको थोड़े तिल और पुष्प ले लेने हैं और उसके बाद ही आपको ये कथा सुननी है। इसके बाद आपको ये दोस्तों सुबह की पूजा विधि है हमारी, आपको शाम के समय भी ध्यान पूजन करना है, दिया जलाना है, और हाँ हो सके तो सुबह शाम आप तुलसी माता के सामने भी दिया ज़रूर जलाएं। ऐसे एकादशी के दिन तुलसी माता को हम स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन उनके सामने हमें घी का दीपक ज़रूर जलाना होता है। सुबह अगर आप ना जला पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को कोशिश करें कि तुलसी जी के सामने एक घी का दिया आप ज़रूर जलाएँ। दोस्तों एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को एक समय सात्विक भोजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी के समय हम पारण करते हैं। इसके बाद हम अपनी पूजा में आरती करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे सभी देवी देवताओं को। एकादशी के दिन हमें गौ माता का भी पूजन करना चाहिए, गौ माता को भी भोग प्रसाद अवश्य रूप से अर्पित करें, उनकी सेवा करें, हो सके तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन गुड़ और तिल से अवश्य रूप से आपको हवन करना चाहिए। माघी एकादशी है तो इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, और अग्नि में आप इस तरह से सूखा नारियल भी घी में लगाकर अवश्य रूप से डालें, और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। सभी देवी देवताओं का नाम लेके, अपने पितरों का नाम लेके आहुतियाँ दें। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूजन जो है समाप्त हो जाएगा। आरती करने के बाद आप भगवान से एक बार क्षमा याचना ज़रूर कर लें कि इस पूजा में अगर आपसे गलती से कोई भूल चूक हो गई हो तो भगवान उसके लिए आपको क्षमा करें, और इस तरह से आपकी पूजा जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ मैंने यहाँ आपको जया एकादशी की बहुत ही सरल विधि बताई है। ये विधि अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।